फ्रेंड्स अपना घर डिजाइन यूट्यूब चैनल का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में प्लान है 23x29। चलिए देखते हैं 23x29। यह है मेरे चैनल का नाम अपना घर डिजाइन। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का प्लान में हम आपको डिस्कस करेंगे विथ कार पार्किंग। ये है नॉर्थ में इसका मेन फेस है, यह हो गया साउथ, यह हो गया वेस्ट, यह हो गया ईस्ट। चलिए साइड डिक्लेयर हो गया। चलिए अब बात करते हैं इसका वॉल पोजीशन। ध्यान से देख लीजिए, वॉल पोजीशन ड्रॉ कर रहे हैं हम। वॉल पोजीशन मार्क कर रहे हैं, देखिए। चलिए कंप्लीट हो गया पोजीशन। अब हम बात कर लेते हैं इसका कॉलम पोजीशन। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखते रहिए कॉलम पोजीशन। ये जो मार्क कर रहे हैं हम, ये कॉलम पोजीशन है। चलिए कॉलम पोजीशन हो गया। अब बात करते हैं कौन क्या है, कितने एरिया का है। और चलिए शुरू करते हैं। जो आपको स्टार्ट दिख रहा है ये है कार पार्किंग। ठीक है दोस्तों, कार पार्किंग जो आपका हो जाएगा 12 फीट 7 इंच इधर से और 10 फीट 2 इंच इधर से। अच्छा खासा कार पार्किंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कार पार्किंग के बाद आपका ये हो गया मेन एंट्रेंस गेट। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टेयर लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मेन एंट्रेंस गेट जो अच्छा खासा चौड़ाई का है 3 फीट 5 इंच। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं यहां आने के बाद ये आपका फर्स्ट बेडरूम हो गया आपका जो अच्छा खासा चौड़ाई का है 11 फीट 2 इंच इधर से और 9 फीट 2 इंच इधर से। ठीक है दोस्तों, ये अपना पहला बेडरूम हो गया। अब आते हैं सेकंड बेडरूम में। ये हो गया सेकंड बेडरूम जो है 9 फीट 9 इंच इधर से और 9 फीट 7 इंच इधर से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं बेडरूम के बाद ये हो गया अपना किचन। आज पर वास्तु किचन हमने सेट कर लिया है। किचन जो कि है 5 फीट 7 इंच इधर से। ठीक है दोस्तों, और इधर से है 7 फीट 2 इंच। अच्छा खासा हो जाएगा किचन। ठीक है दोस्तों, चलिए किचन के बाद आते हैं लेटरिन एंड बाथरूम। ठीक है दोस्तों, तो ये है, मैंने इसको लेटरिन बाथरूम अलग रखा है। ये है आपका लेट, ठीक है, और ये है बाथरूम। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं लेटरिन की चौड़ाई लंबाई। इधर से है 4 फीट 2 इंच और इधर से है 3 फीट 7 इंच। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं बाथरूम का। बाथरूम का भी चौड़ाई सेम है, इधर से 4 फीट 2 इंच और इधर से 4 फुट
7 इंच, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं, आप एक एरिया दिख रहा है, यह हो गया आपका हॉल कम डाइनिंग, जो बोल सकते हैं बोलिए। चलिए इसकी है चौड़ाई 11 फीट 2 इंच इधर से, और इधर से है अच्छा खासा हो जा रहा है हॉल अपना एरिया 9 फीट 2 इंच, ठीक है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं, जो हमने मार्क करके रखा है ये वॉल पोजीशन, ये बाहर बाहर है 10 इंच और अंदर का है 5 इंच, ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब बात कर लेते हैं इसका डोर और विंडो, पहले बात करते हैं विंडो का। देखिए इस रूम के लिए विंडो यहां लगा दीजिए, इस रूम के लिए विंडो यहां, ये विंडो आ जाएगा कार पार्किंग पे, ठीक है दोस्तों। एक विंडो इस रूम के लिए कार पार्किंग में, ये विंडो हो गया रूम के लिए। चलिए ये किचन के लिए विंडो, ठीक है दोस्तों। अगर इधर जगह है तो विंडो दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। यह हो गया वेंटिलेटर, लेट बात के लिए यहाँ वेंटिलेटर बात के लिए, और ये हो गया आपका डाइनिंग एरिया या हॉल के लिए विंडो। चलिए बात कर लेते हैं डोर पोजीशन, इस रूम के लिए डोर देखिए यहाँ, ये मेन गेट हो गया, इस रूम के लिए डोर यहाँ, ठीक है। चलिए किचन के लिए डोर लगा देते हैं यहाँ, ये हो गया लेट के लिए यहाँ, और ये बाथरूम के लिए यहाँ, ठीक है दोस्तों, डोर हो गया। ये आपका ओपन एरिया रहेगा यहाँ पे। अब बात करते हैं स्टेयर का, ठीक है। इस किचन के जस्ट बगल से स्टेयर आप अप कीजिएगा यहाँ 3 फीट चौड़ाई से, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से मूव करके, और ये जो लैट्रिन के ऊपर से यहाँ अप होगा, और जब ये अप हो जाएगा तो नीचे में यहाँ पे डोर आपका लैट्रिन का डोर आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें कितना लगभग लागत कॉस्ट आ जाएगा, दस से 12 लाख, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका लगभग लगभग पूरा मतलब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का प्लान 23x29, ठीक है दोस्तों। ये है मेरा चैनल का नाम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।